सो फाइनली आपको बता दूं कि दिव्या और प्रतीक बन गए हैं दोस्त। जी हाँ, खत्म हुई अब दुश्मनी, अब हो गई है शुरुआत दोस्ती की। तो चलिए आपको बताऊंगी क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आपको बता दूं कि डे वन से आप दिव्या वर्सेस प्रतीक अब तक देखते हुए नजर आ रहे थे। लगातार ये दोनों अपनी दुश्मनी को लेकर काफी ज्यादा हाईलाइटेड थे, लेकिन अब आपको इनकी दोस्ती का देखने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि अब दिव्या और प्रतीक दोनों में दोस्ती जैसा माहौल देखने को मिला। फाइनली आपको बता दूं कि फैमिली वार चल रहा है, जहां पर सभी कंटेस्टेंट्स के घर वालों की एंट्री हो रही है, जिस दौरान प्रतीक और दिव्या एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आए, जहां पर प्रतीक ने अपने पुराने शो एस ऑफ स्पेस को लेकर जिक्र करते हुए बताया कि याद है तुम्हें जब मेरी माँ आई थी तो मैं कैसे रो पड़ा था। तो वहीं दिव्या अग्रवाल भी अपने शो के कुछ मोमेंट्स को शेयर करते हुए और याद करती हुई नजर आई। ऐसे में प्रतीक और दिव्या का यूं दोस्ताना और याराना वाली बातें करना फैंस को तो बेहद ही पसंद आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसी बीच दिव्या ने प्रतीक से खाने के लिए पूछा कि अगर तुम खाओगे तो मैं खाना गर्म करके ले आऊंगी, जिस पर प्रतीक ने कहा कि नहीं, टास्क खत्म होने के बाद ही मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अब हमें दिव्या और प्रतीक में दोस्ती होती हुई नजर आ रही है और इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा फैंस को पसंद आ रही है। सो वेल गाइज, आप सभी कितने खुश हैं दिव्या और प्रतीक की दोस्ती देखकर? हमारे कॉमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हरी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।